मेरिया मनु हो। जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि बीएसपी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड स्टेट में विधानसभा का हम चुनाव बिना किसी पार्टी व संगठन आदि से गठबंधन किए हुए यहाँ अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़े हैं। लेकिन पंजाब स्टेट में हमारी पार्टी अकाली दल के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड स्टेट में यहाँ हमारी पार्टी तथा पंजाब स्टेट में भी हमारा बना ये गठबंधन जरूर अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। हालांकि इस बार ये चुनाव कोरोना प्रकोप के चलते हुए ही हो रहा है। ऐसे में पार्टी के लोगों से मेरी यही अपील है कि वे मुख्य चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के सभी सात चरणों के उम्मीदवारों को जरूर जिताएं। तभी फिर खासकर यहाँ यूपी में बीएसपी की अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार बन सकती है और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना जरूर सही साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं यहाँ यूपी की अपनी पार्टी के दूसरे चरण की सूची जारी कर रही हूँ। वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है, सूची जारी करने के संबंध में आप लोगों को ये भी मालूम है कि पहले चरण की सूची मैंने अपने जन्मदिन के मौके पर दिनांक 15 जनवरी को जारी की थी। इसके बाद दूसरे चरण के तहत 55 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें से आज मैं 51 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी के तय किए गए उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही हूँ। इसके साथ ही आज मैं अपनी पार्टी के लोगों को पार्टी का एक नारा भी दे रही हूँ, जो इस प्रकार से है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के लोग इस मामले में दिनांक 9 जनवरी सन 2022 को पार्टी के यूपी स्टेट के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों की लखनऊ प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई बैठक में उन्हें दिए गए जरूरी दिशा निर्देशों पर वे अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल करते हुए इस बार सन 2007 की तरह फिर से यूपी में अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएंगे। इस विश्वास के साथ ही अब मैं दूसरे चरण की सूची जारी कर रही हूँ और जो हमने नारा दिया है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हमने जो कोरोना का जो प्रकोप जो फैला हुआ है पूरे कंट्री में और यूपी में भी फैला हुआ है, उसको ध्यान में रखकर तो जो मैंने जरूरी गाइडलाइंस दिए थे 9 जनवरी को, तो उसको ध्यान में रखकर मैंने एक नारा दिया अपनी पार्टी का कि हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बीएसपी के लोग
ऐसे विकट समय में भी कोरोना के चलते हुए भी तो समय समय पर मैं जो जरूरी गाइडलाइंस दे रही हूँ बीएसपी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए उस पर जरूर अमल करेंगे। इस विश्वास के साथ ही मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत।